ये बात आप रिकॉर्डिंग आपके पास भी है मेरे पास भी है, नहीं कोई भी कीमत पे नहीं। और जिस दिन मैंने कर्नाटका में एकेडमी के ऑफिस में पाव रख लिया, उस दिन पता चल जाएगा कि असली काम क्या होता है। आपकी कंपनी के बड़े बड़े भले नेता लोग का सपोर्ट रहेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ मैं वहां पे आया नहीं हूँ। जिस दिन मैं वहां पे आ गया ना, उस दिन पता पक्का बता दूंगा मैं। मुझे फोन आया था सर जी नंबर से। सर आपका नाम? मयंक सर। हाँ सर, मैं आपको ही कॉल कर रहा था, आपका नंबर भी जा रहा था। अरे हाँ यार, बहुत सारे लोन वाले फोन करते हैं, सबको गाली गलौज करने में टाइम तो जाएगा ना सर। समझ गए ना? हंस रहे हो सर, सर हंसी हंसी हंसी। मैं क्या बोलूँ आपको। नहीं नहीं एक्चुअली देखो, मैं कैसा आदमी मालूम है क्या? मैं सही बात बोलता हूँ, कभी किसी से झूठ नहीं बोलता। पहली बात तो हाँ जी सर, अभी बोलो क्या दिक्कत होगी। मैं तो इसलिए कॉल किया, सर को क्या दिक्कत होगी। मैं कॉल दो बार ही ट्राई किया आपको, आपका फोन बिजी जा रहा था, मैं सर कहीं बिजी। सोचा चलो भाई ठीक है, दो तीन बार कॉल कर लेता हूँ, नहीं उठा तो कॉन्टेक्ट लिस्ट तो है ही इसकी, चालू हो जाएंगे। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। मैं रिकवरी डिपार्टमेंट से नहीं हूँ सर, तो मैं वो काम नहीं करता। रिकवरी डिपार्टमेंट वाले भी हमारा ऐसा काम नहीं करते सर। रिकवरी डिपार्टमेंट वाले ने काम रिकवरी डिपार्टमेंट वाले ने ऐसा काम कर दिया है सर, सारे कांटेक्ट में मैसेज कर दिए हैं और अच्छा सारे कांटेक्ट में कॉल कर दिए हैं, और मैंने सारे कांटेक्ट में बोल दिया कि मेरा फोन हैक हो गया है। तो ऐसे लोग फोन करे, अगर अच्छे से बात करे तो ठीक है, बदतमीजी करे तो आपको खुला राइट्स देता हूं मैं कि आप कंप्लेंट इन बंदे के अगेंस्ट कर सकते हैं। अच्छा अभी आप मेरे को ये बताओ, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ 205 दिन हो गया पेमेंट ड्यू है, तो सर कभी तो पेमेंट करने वाले हो आप? एक्चुअली सर मैं आपको सच सच बताऊँ कि झूठ झूठ बताऊँ? सर सही बताओ, जो फेक कमिटमेंट नहीं मांगते सर, अगर फेक कमिटमेंट करोगे कोई फायदा नहीं होगा सर, मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा नेक्स्ट टाइम। नहीं आपकी हेल्प नहीं चाहिए मुझे, मैं आपकी हेल्प नहीं मांग रहा हूँ। लोग मुझसे हेल्प मांगते हैं तो मैंने कभी किसी की मदद नहीं मांगी। और ये आपके ऑफिस कर्नाटका में, दिल्ली में? कर्नाटका में है ना शायद, बेंगलोर? बेंगलोर में है ना जी। हाँ, तो वहां पे आके मैंने मैंने कुछ अलग प्लानिंग की। हम लोग कुछ अकेडमी से 350-400 लोग लोन लिए हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे। ये सारे लोगों को मैंने इकट्ठा किया अलग अलग राज्य से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप फिर अपना बताओ ना कि क्या मतलब। तो ये क्या सब लोग वहाँ पे आपके ऑफिस में आके पेमेंट करेंगे, ये मेरा फाइनल डिसीजन। सर आप अपना बताओ ना सर कि आप अपने मैं ऑफिस में आके पेमेंट करना चाहता हूँ। ऑफिस में आके पेमेंट करना चाहते हैं सर ऑफिस? और वो जो कोई जीतेस करके बंदा है, उसने इज्जत खराब की है तो डेफिनेटली कि पहले उसने ये सब मैसेज किए कांटेक्ट में, तो डेफिनेटली कि अभी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी ऐसे भी इज्जत चली गई, अब पैसा नहीं दूं तो क्या फर्क पड़ता है मुझे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिस किसी ने भी ऐसा किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपके पास, अगर उसने किसी आपके कांटेक्ट को मैसेज भेजा है या कुछ भी, आप ऐसा जैसे कह रहे हो कि आपके कॉन्टेक्ट को मैसेजेस गए हैं, अगर वो है तो प्लीज आप हमें एक ईमेल भेजो care@credimi.com पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ। भेज चुका हूँ, सब कुछ भेज चुका हूँ, आज कल दो कल भी तो कर भेजा मैंने। भाई मैं आपको बात बताऊँ क्या, ये पहले भी हो चुका है मेरे पास, ये पहले भी मेरे साथ हो चुका है, आज से कुछ 3 महीने पहले, 4 महीने पहले हो चुका है, तभी इसके लिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैसे भी। कभी तो आपने ईमेल भेजा सर, ये बताओ सर। बहुत सारे ईमेल आए हुए हैं, आप लोग पहले देखोगे तो पता चलेगा ना। तो वो तो हम देखेंगे, बट अगर आप बता दोगे तो थोड़ा सा सही रहेगा कि हम अभी मैंने कितने मेल किए, मुझे कभी कब कब याद किए मुझे पता नहीं है भाई। आप बोल रहे हो तो एक बार मेल कर दूंगा, अच्छा। आपके कहने से भाई मुझे क्या है, अभी मैं आप कह रहे हो तो एक बार कर दूंगा। ठीक है, तो अभी अभी सर मेरे को ये बताओ फिर पेमेंट कभी को करोगे सर, आप खुद ही बताओ। नहीं इज्जत खराब कर दी तो पेमेंट का सवाल ही नहीं बनता। मेरा मेरा एक ही दो ही फंडा है, या पैसा दे दो या इज्जत दे दो, तो इज्जत तो दे दी मैंने। आपको चाहिए तो और भी कांटेक्ट में कॉल, सामने से बोलता हूँ ना, कांटेक्ट में कॉल करो, आपकी जो नोटिस आती है नोटिस भेजो, कुछ भी करो, मैं फेस करने को तैयार है, लेकिन मैं पेमेंट करने को तैयार नहीं। सर जो भी उन्होंने बोला, जो भी जैसे भी आपसे बात की, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट सर। नहीं सर आप सॉरी, आप सॉरी क्यों बोलते हैं? आपके फंडे जानता हूँ मैं, एक एक गांड मारता है एक मलम लगाता है, मुझे मालूम है ना, ये मुझे मालूम है सर। आप अच्छे, आप अच्छे इंसान हो, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ,
जिस जिस मादरचोद ने किया है ना, उसको पता चल जाएगा ये। सर आई अंडरस्टैंड, आप नाराज हो, मैं समझ रहा हूँ। अरे नाराज की आज से नहीं है, जब से लोन लिया हूँ ना क्रेडिमी से, तब से नाराज। वी विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। आप लोग एक्शन, अरे भाई आप लोग एक्शन लोगे, आप एक्शन लोगे ठीक है, क्या करोगे उसको निकाल दोगे, और मैक्सिमम मैक्सिमम क्या करोगे, आपकी कौन सी गवर्नमेंट जॉब है कि उसको निकाल दोगे तो उसको फर्क पड़ेगा? वो बोलेगा लौड़े पे गए क्रेडमी, दूसरी कंपनी पकड़ लेगा, उसको क्या फर्क पड़ता है? एक्शन मुझे लेना है उस पे, और वो बंदा क्रेडमी में नहीं रहेगा तो भी उसके पीछे में लग गया हूँ। आई अंडरस्टैंड। देखो सर, आप मेरे हमारे ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम लोन लिया, आपने पहले लोन लिया हमसे, ठीक है, आप हमारे पुराने कस्टमर हो, तो देखो आई अंडरस्टैंड टोटली, सब कुछ आपका गुस्सा भी जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं आपसे यही बोल रहा हूँ, वी विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन। और जैसे कि आपने मेरे को बोला कि आपने पहले भी ईमेल भेजे हैं, बट आपने आपको नहीं ध्यान कि आपने कब भेजा, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार आप दोबारा से ईमेल मेरे को अभी भेजो तुरंत। ओके, एंड आई एम इंश्योरिंग यू कि वी विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन अगेंस्ट जस्ट बिकॉज यू आर माई ओल्ड कस्टमर। नहीं ये सब जाने दीजिए, मेरी बात सुनिए, आप लोग वही करिए जो आपको उचित लगे, मुझे वही लग, मुझे जो लगता है, मैं मेरे को जो उचित लगेगा वो मैं करूंगा। फिलहाल तो मैं कोई भी सिचुएशन में पेमेंट क्रेडमी को नहीं करना चाहता हूँ। ये बात आप रिकॉर्डिंग, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, नहीं कोई भी कीमत पे नहीं। और जिस दिन मैंने कर्नाटका में क्रेडमी के ऑफिस में पाव रख लिया, उस दिन पता चल जाएगा कि असली काम क्या होता है। आपकी कंपनी के बड़े बड़े भले नेता लोग का सपोर्ट रहेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ मैं वहां पे आया नहीं हूँ। जिस दिन मैं वहां पे आ गया ना, उस दिन पता पक्का बता दूंगा मैं। सर आई एम टेलिंग यू सर, जो कुछ जो भी आपका गुस्सा आप है, जस्ट टोटली आई थिंक सो यू आर वेस्टिंग, मेरी बात सर, आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम, आई एम जस्ट टेलिंग यू सर, आई अंडरस्टैंड यू आर एंग्री विद अस, बट गिव अस अ चांस टू सर्व, वी विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एरिया। हाँ वो मैं मेल कर दूंगा, उसका छोड़ दीजिए आप, वो मेरे तरफ से मेल कर दूंगा। ओके, लेकिन अभी फिलहाल आप अपना काम कीजिए, क्योंकि मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ सर, पेमेंट नहीं करना चाह नहीं करना चाहता हूँ नहीं कर सकता हूँ नहीं करना चाहता हूँ, यही समझ लीजिए आप। लेट मी डिस्कस विद माय मैनेजमेंट, देन आई विल कॉल यू। मैनेजर, डायरेक्टर, प्रोपराइटर, जिससे आपको डिस्कशन करना है कर लीजिए, आई विल नॉट पे एनी अमाउंट। Okay, thank you for your time, sir. Thank you so much. Thanks.